नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? हम सभी दोस्तों का हमारे इस चैनल में स्वागत करते हैं जिसका नाम है गुज्जू चटाको। आपने देख लिया आज हम कहाँ पे आए हैं, तृप्ति रिफ्रेशमेंट में, जहाँ पे मिलते हैं कई सारे नाश्ते के व्यंजन। तो हम आपको टेस्ट करके बताएंगे और कैसा लगता है, क्योंकि ये है बहुत ही पुराना। और आपने जो हर्ष ने पहले आपको बताया, ये जो गेट है वो है सुल्तानपुरा का गेट है, न्याय मंदिर इसको बोलते हैं। न्याय मंदिर से मांडवी की ओर जाते वक्त ये उनका करीबन मंगल बाजार से करीबन 50 मीटर या 100 मीटर के अंदर पे इनका रेस्टोरेंट आता है। सर आपका नाम? मेरा नाम विपुल शाह है। ओके। और मेरी रिफ्रेशमेंट का नाम तृप्ति रिफ्रेशमेंट रेस्टोरेंट है। ओके। और हम लोग बेसिक गुजराती जो नाश्ता होता है, सेऊ सर, समोसा, आलू वड़ा, सेऊ खमनी खमन, वो बनाते हैं। तो पिछले 80 साल से ही हमारा बिजनेस है। तो सर टेस्ट सेऊ सर का कैसे आपने डेवलप किया? वही एक ही टेस्ट है, आज 45 इयर्स हो गए, लेकिन सेऊ सर का टेस्ट वही का वही है। वही कभी भी आओ, एक साल के बाद आओ या 10 साल के बाद आओ, टेस्ट मेरा वही रहेगा। तो दोस्तों इनकी बात तो गलत नहीं है, क्योंकि मैं जब छोटा था मम्मी पापा मुझे सेव खमणी खाने के लिए खास यहाँ लेकर आते थे, और मुझे वही चीज़ पसंद थी यहाँ की। मुझे पता नहीं था और क्या मिलता था, लेकिन उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बताई थी कि सेव खमणी मिलती है। सो विपुल जी, आपके स्टोर का टाइमिंग क्या होता है? सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक। ओके। और हर दिन शुरू रहता है? 365 डे। और क्या क्या फेमस आइटम है सेव सर के अलावा? सेव सर के अलावा सेव खमणी है, और सीजन में जब बारिश की सीजन होती है उसमें लीली मकई का चिवड़ा होता है। अच्छा। तो 3 महीना 4 महीना वो चलता है। Okay. उसके बाद दिवाली के बाद सूरती उंडियू बनाते हैं हम लोग। Okay. और जो सूरती उंडियू बनाते हैं वो भी हम लोग बॉयल करके नहीं बनाते, हम लोग फ्राई करके बनाते हैं। Okay. उसके बाद जब होली का टाइम आता है, जो गर्मी की सीजन होती है, उसमें चटाको बनाते हैं हम लोग। अच्छा। चटाको पात्रा आलू उसके बनता है, वो भी बहुत बढ़िया बनता है। सूरती उंडिया के साथ लीलवा की कचौरी बनाते हैं, और मेरी लीलवा की कचौरी ऐसा है कि आप 2-3 दिन रखोगे तो भी बिगड़ेगी नहीं। लीलवा की मतलब जो तुअर की डाल जाने आता है उसकी कचौरी बनती है। दोस्तों वो भी मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन अभी सीजन नहीं है तो हमारा वो बैड लक है। हमको तो कितना सारा नाश्ता दे दिया यहाँ पे, तो आज तो सुबह का हर्ष, मुझे तो लगता है दोपहर का खाना तो होगा ही नहीं, शाम का भी हो गया। शाम का भी हो गया, इतना सारा विपुल ने हमको नाश्ता दे दिया है। हमने सेवसर है, सेवसर वडोदरा में हर कहीं जगह पे चले जाओ वहाँ पे आपको सेवसर तो मिल ही जाएगी, क्योंकि वो वडोदरा की एक शान है। फिर दूसरा उन्होंने आइटम जो दिया था वो है हांडवा, ये गुजरात की स्पेशलिटी है जो गुजरात में ज़्यादातर बिकी जाती है, गुजराती हांडवा जो घर घर में गुजरातियों की बनती है। तो ये खांडवा है, सेव खमनी है यहाँ पे, यहाँ पे इन्होंने जो दिया है वो है आलू वड़ा, और उसके साथ में आलू वड़ा जैसा दिख रहा है लेकिन वो आलू वड़ा नहीं है, वो है कोपरे का वड़ा, इसको पैटिस भी बोलते हैं, नारियल की पैटिस भी बोलते हैं। तो आज तो हर्ष मज़ा आ जाने वाला है, आप जरा और ये, हाँ ये भुट्टे का किस है यहाँ पे, जो दूसरा उन्होंने दिया था, जो खमनी और भुट्टे का किस एक जैसा दिख रहा है, लेकिन वो एक भुट्टे का किस है और दूसरा है खमनी, मतलब इसको दोस्तों मकई का चेवड़ा भी बोला जाता है, भी बोला जाता है। हाँ, लेकिन गीला चेवड़ा है। हाँ, गीला चेवड़ा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं, वो है, नहीं है, गीला चेवड़ा। और ये सिर्फ सीजन में ही मिलता है, जैसे बारिश में जैसे भुट्टे का सीजन आता है वही सीजन में यहाँ पे मिलता है।
और ये जो बता रहा है ये, नहीं यार शोही, मुझे पहले देख के मुझे यही लगा कि ये कोई स्वीट आइटम है, लेकिन ये है कोठे की चटनी। गुजरात में कोठा बोलते हैं वुडन एप्पल को, तो वो है कोठे की चटनी। और ये इनका यूनिक आइटम है, ये वडोदरा में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। कहीं कभार आपने घर पे खाई होगी, लेकिन यहाँ रेस्टोरेंट में आपको कभी भी ऐसी चटनी नहीं मिलेगी। नॉर्मली दोस्तों ये चीज़ गवर्नमेंट स्कूल की बाहर बिकती है, कोठा जो होता है yes. उसमें वो रेड कलर का कुछ शरबत डाल के मिलता है, वो मिलता है। तो पहले मैं ये सेव खमनी से स्टार्ट करूँगा। तो ये सेव खमनी यहाँ पे ऊपर अनार के दाने डाले हुए, सेव है बारीक, और सेव खमनी धनिया है, और सेव खमनी बनती है बेसन के यस बेसन के इसके बनती है। बहुत ही लाजवाब, बढ़िया। ये सेव सर मैं ट्राई करूँगा। आपने देखा तरी, तो इसमें देखिए तो कलर देखो, सिर्फ कलर देखिए इसमें। बहुत ही बढ़िया हर्ष, ना ही इसमें नमक डालने की ज़रूरत है ऊपर से, ना ही नींबू डालने की ज़रूरत है, ना ही अदर मसाला। हमारा सेव सर छोटा बच्चा भी खा सकता है। बहुत सही है, बहुत ही। अगर आपको तीखा चाहिए तो वो अलग से ऊपर से तरी डाल के देंगे, लेकिन उसमें एडिशनल कुछ भी मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हांडवा इनका दूधी, मतलब लौकी का छीन के इसमें डाला जाता है। तो देखते टेस्ट करके कैसा है। हर्ष कुछ बोलिए भी, आप खाते मत रहिए। नहीं सही में बहुत मस्त है, मतलब इतना सॉफ्ट हांडवा मैंने तो नहीं खाया। और ये गुज्जू आइटम है, यानी आपको थोड़ी सी हल्की सी मिठास तो आपको आएगी, लेकिन वो मिठास आपको पसंद आएगी। बहुत मस्त हांडवा है। और ये देखिए इसका, मेरे को हांडवे का ये जो ब्लैक पार्ट होता है जो थोड़ा सा जला हुआ तो वो खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। घर पे भी हांडवा वो हांडवे के ओवन में बनता है yes. लेकिन मैं यही ज़्यादा खाता हूँ, तो ये भी बहुत मस्त आइटम है। अब भुट्टे का किस दोस्तों, ये दूध में बनता है। हाँ दूध, मतलब दूध मिक्स होता है इसमें, और उसके बाद वो लोग उसको पका के पकाते हैं। तो देखते हैं, दूध की वजह से एकदम सॉफ्ट हो गया टेक्सचर उसका, एकदम सॉफ्ट। और थोड़ी सी मिठास इसमें भी है, लेकिन मकई के सारे चंक्स छोटे छोटे छिले हुए आपको मुंह में फील होंगे, और उतना ही परफेक्टली स्पाइस भी है yes. तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। किशमिश भी डालते हैं। ओह माय गॉड, किशमिश भी डालते हैं। तो दोस्तों हर्ष, ये इसमें सौंफ है, मूँगफली है, कोपरा है, और जो कोपरा है वो छीन के डाला हुआ है, मतलब ग्रीन कोकोनट जो होता है उसको पूरी तरह एकदम बारीक छीन के डाला हुआ है। उसके साथ साथ किशमिश है, मिर्च भी दिख रही है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मीठा आपको मिलेगा, इसमें मिर्च भी है, तो फ्लेवर अच्छी तरह से उन्होंने ये बैलेंस किया हुआ है। तो देखते हैं खा के कैसा है। और बाहर आलू का टेक्सचर है, ये पूरा बाहर जो आपको टेक्सचर दिख रहा है ये पूरा आलू की परत है बाहर, और उसके अंदर ये सारा फील करके उसको डीप फ्राई किया गया। बहुत बढ़िया दोस्तों, मीठा और तीखा दोनों कॉम्बिनेशन आपको खाना है तो ये बेस्ट है। उपवास में भी आप फास्ट में भी खा सकते हो, और फास्ट में तो ये बहुत बिकता है। ये है बटाटा वड़ा, आलू वड़ा, ये देखिए आलू वड़ा, बहुत ही बढ़िया है। ये इसका टेक्सचर तो सिर्फ देखिए, ये सॉफ्टनेस देखिए उसका, ये सीधा जाएगा। ये वड़ा पाव के साथ खाने वाला आलू वड़ा नहीं है, ये खाना भी नहीं चाहिए। और ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत यानी बहुत ही बढ़िया। मैं हर्ष को टेस्ट करने नहीं दूंगा, ये पूरा मैं ही खा जाऊंगा। तो आप ज़रूर आइए, आपको हमारा चैनल कैसा लगा हमको ज़रूर कमेंट में कीजिए। आपको ये नाश्ता कैसा लगा, आप यहाँ पे आके नाश्ता करके हमें कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा।
हमारा चैनल का नाम को तो आपको पता ही है, गुज्जू चटा को, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा।